हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.1 का ही प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 है कि निम्नलिखित समुच्चयों के, यहाँ पर आपको कुछ समुच्चय दिए गए हैं कि सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है और आपको रोस्टर रूप में इन समुच्चयों को यहाँ पर लिखना है, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर आपको एक समुच्चय दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है और विषम प्राकृतिक संख्या तो एक एक से स्टार्ट होती हैं, लेकिन कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो सबसे पहले यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो एक से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, वो कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार से यहाँ पर हम इस सेट में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी ए के बराबर दिया गया है इस सेट को हम ए के बराबर लिखेंगे, ए बराबर, और यहाँ पर इसको हम मंझले कोष्टक में लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन कैसी है, विषम है इस टाइप की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो इस प्रकार से और आगे तक बहुत सी संख्या होंगी, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डैश डैश लगा देंगे और यहाँ पर इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, क्योंकि जो विषम प्राकृतिक संख्या है वो बहुत सारी हैं, इनको हम तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हमने संख्याओं को लिखा और यहाँ पर डैश डैश लगा दिया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि बी एक सेट दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पर माइनस 1/2 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 9/2 से। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स का मान 1/2 से छोटा होना चाहिए और 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि -1/2 और 9/2 के बीच इस एक्स का मान होना चाहिए, लेकिन कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो जो प्लस माइनस की संख्या होती हैं, जैसे यदि हम संख्या रेखा को प्रदर्शित करें तो बीच में हमारा क्या होता है, 0 होता है। इस तरह प्लस की संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से संख्या होती हैं। इस तरह माइनस की संख्या होती है, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से -5, यही आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। मतलब माइनस और प्लस की संख्या को मिलाकर जो भी संख्या बनती है वो क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो यदि हम -1/2 की बात करें तो -1/2 का मतलब क्या है, यदि हम 2 का भाग 1 में करें तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 9/2 का मतलब क्या है, 4.5, 4.5। तो जो हमें x का मान बताना है, -0.5 और 4.5 के बीच बताना है, इन दोनों संख्याओं के बीच यहाँ पर हमें यहाँ पर मान बताना है, और कैसी चाहिए, पूर्णांक संख्या चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम 0.5 की बात करें माइनस का, तो यहाँ कहीं होगा इस प्रकार से 1, 2, यहाँ पर आपको बीच में, जब भी इस प्रकार से संख्या रेखा पर आप स्केल से समझ सकते हैं कि स्केल में यदि हम 1-1 सेंटीमीटर के गैप से, जैसे यहाँ पर 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा, तो इसके बीच में कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं, लेकिन यहाँ पर कितना चाहिए हमें, पॉइंट में 5 चाहिए। तो हम यहाँ से 5 लाइनें गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 0.5 आपका आपका कहाँ होगा, इस तरफ होगा, माइनस का 0.5 आपका यहाँ होगा, और यहाँ पर 4.5 आपका कहाँ होगा, 4 के बाद हम 5 लाइनें यहाँ पर 1, 2, 3, इस प्रकार से 4 के बाद आपका ये आपका 4.5 होगा। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या लिखना है, लेकिन कैसी लिखना है, पूर्णांक, पूर्ण पूर्ण अंक वाली, मतलब ऐसा नहीं है कि बटे वाली संख्याओं को लिखना है, पूर्णांक लिखना है। तो हम कौन कौन सी संख्या होंगी, 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, और कहाँ तक होंगी, 4 तक होंगी। तो जो हमें सेट में लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम बी लिखेंगे बराबर, यहाँ पर हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक लिखेंगे, 4 तक लिखेंगे।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, आपको कहाँ तक लिखना है, 4 तक। तो इस प्रकार से आपका ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि सी बराबर एक सेट दिया गया कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक्स वर्ग का मान छोटा बराबर है 4 से। एक्स वर्ग का मान कैसा होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, छोटा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 4 के बराबर एक्स का मान हो सकता है, एक्स वर्ग का मान क्या हो सकता है, 4 के बराबर हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। तो हमें और कैसी संख्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए। तो यदि हम संख्या रेखा की बात करें तो आपकी संख्या इस प्रकार से होती है कि जो भी प्लस माइनस की संख्या होती है, लेकिन हमें एक्स का वर्ग क्या चाहिए, 4 से छोटा चाहिए या 4 के बराबर चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम 3 का वर्ग करें, -3 का वर्ग, तो -3 का वर्ग यहाँ पर कितना होगा, -3 का वर्ग यहाँ पर कितना होगा, प्लस 9 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम -3 को दो बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस होगा। लेकिन हमें 4 से तो बड़ा नहीं चाहिए। तो अब इसके बाद हम 2 पर आएंगे, -2 पर। तो -2 का वर्ग क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 का वर्ग होगा -2 गुणित -2। तो यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर -2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, क्योंकि 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा और 4 से तो संख्या छोटी होगी। यहाँ पर 0 का वर्ग भी होगा, क्योंकि 0 भी 4 से संख्या छोटी होगी। 1 का वर्ग होगा प्लस 1 का, 2 का वर्ग होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस 3 का वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 3 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम कहाँ से कहाँ तक संख्या लिखेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, इतनी संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी यहाँ पर सेट दिया गया सी बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2, -1, 0, 1 और 2। केवल इतनी ही संख्या हो सकती है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि जो एक्स सच दैट एक्स है कि लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो जब भी हम किसी शब्द को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो जो भी शब्द डबल बार होता है उस शब्द को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, और जितने भी शब्द होते हैं उनको यहाँ पर हम कॉमा लगाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो होगा एल लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, ओ लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद बाई लिखेंगे, और यहाँ पर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एल को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एल लिख चुका है। तो इस प्रकार से इस शब्द का जो रोस्टर फॉर्म होगा इस प्रकार से होगा। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, ई बराबर एक सेट दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन का मतलब यहाँ पर क्या है कि 31 के अलावा कोई भी दिन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 30 भी हो सकते हैं और 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, लेकिन उस आपको ऐसा समुच्चय लिखना है जिसमें क्या नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। 30 हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, 31 दिन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं जो वर्ष में, तो चूंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि वर्ष में यहाँ पर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जिनमें से यदि हम फरवरी की बात करें तो फरवरी कितने की होती है, 28 की, या चौथे सन कितने की होती है, 29 की होती है। इसके बाद अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, अप्रैल जो होता है 30 का होता है, 30 दिन का। इसके बाद जून भी 30 दिन का होता है। इसके बाद जो सितंबर होता है वो भी कितने का होता है, 30 का होता है, और नवंबर भी कितने का होता है, 30 का होता है। केवल 5 ही महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन से कम के होते हैं या 31 दिन के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फरवरी जो होता है 28 या 29 का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, जून भी 30 दिन का, और सितंबर और नवंबर। तो इतने महीनों को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इन महीनों को यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर जो भी सेट दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे फरवरी, इसके बाद लिखेंगे हम अप्रैल, इसके बाद जून, इसके बाद सितंबर, और इसके बाद हो जाएगा नवंबर। नवंबर
तो केवल 5 ही महीने होते हैं जो 31 दिन से क्या होते हैं, कम के होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम छठवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर छठवा क्वेश्चन दिया गया है कि एक सेट दिया गया है एफ के बराबर एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो आपको ऐसे व्यंजन बताना है जो के से पहले आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। तो आपको पता होगा कि स्वर कितने होते हैं, यहाँ पर 5 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, कुल अक्षर कितने होते हैं 26, जिनमें से 5 स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल यानी कि स्वर होते हैं, और जो 21 कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्स एस डेट अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन तो है, लेकिन के से पहले आता है, के बाद नहीं आता, के से पहले आता है। तो हमें केवल व्यंजन को बताना है, स्वर को नहीं बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी सेट दिया गया है एफ के बराबर, तो यहाँ पर यदि हम ए की बात करें तो ए तो एक क्या है स्वर है, तो ए को हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, क्योंकि के से पहले बी भी आता है, इसके बाद सी आता है, डी भी एक क्या हो जाएगा व्यंजन हो जाएगा, लेकिन ई क्या है एक स्वर है, स्वर को हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद एफ क्या होता है एक व्यंजन होता है, जी भी एक व्यंजन होता है, एच भी व्यंजन होता है, लेकिन आई क्या होता है एक स्वर होता है, तो आई को हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद जे भी क्या होता है एक व्यंजन होता है, लेकिन यहाँ पर हम के को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से क्या होता है पहले आता है, के को हम नहीं लिखेंगे। तो इतने ही अक्षर होंगे केवल यहाँ पर। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा बी सी डी एफ जी एच जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 की बाईं ओर, तो यहाँ पर बाईं ओर आपको क्या दिया गया है, इस तरफ आपको दिया गया है रोस्टर रूप दिया गया है रूप में लिखें तो, दाईं ओर आपको क्या दिया गया है, इस तरफ आपको समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। मैं वर्णित समुच्चयों का करना है सही मिलान करना है, मतलब सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो यदि हम इस तरह पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको एक समुच्चय दिया गया है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 6, और यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम एक क्वेश्चन की बात करें कि x सच दैट x क्या है एक अभाज्य संख्या तो है, लेकिन 6 की क्या है भाजक है, तो इसका आंसर ए पहला वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता है, जैसे एक क्या है एक भाज्य, एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है अभाज्य है, तो यहाँ पर जो पहला वाला आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए 6 की भाजक चाहिए, 6 की भाजक तो है, लेकिन यहाँ पर क्या होने कैसी संख्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 तो एक क्या है भाज्य संख्या है, लेकिन हमें क्या चाहना है अभाज्य संख्या चाहिए। तो यहाँ पर पहले वाले का ए नंबर का आंसर तो नहीं होगा। इसके बाद यदि हम बी नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी यहाँ पर 1 3 5 7 9, इस प्रकार से होंगी संख्या, तो बी वाला भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद सी नंबर का ऑप्शन दिया गया कि एक्स एस जेड एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, लेकिन क्या है 6 की भाजक है, तो प्राकृतिक संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होती है एक से होती है, लेकिन आपको क्या चाहिए 6 की भाजक चाहिए। तो यहाँ पर 6 की भाजक कौन कौन हो सकते हैं, भाजक का मतलब यहाँ पर क्या है कि 6 में भाग जाता है, तो 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, इसके बाद 6 स्वयं 6 का भी जाता है, तो इतनी संख्या होगी। तो यहाँ पर जो ए नंबर के क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जोड़ी हम किससे मिला देंगे सी नंबर के ऑप्शन से, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है और 6 की क्या है भाजक है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन के 2 और 3, तो 2 और 3 में इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है भाजक है। अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता है, जैसे यहाँ पर 2 और 3 की बात करें तो 2 एक क्या है अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है भाजक है, 6 में भाग भी जाता है और अभाज्य संख्या भी है। इसके बाद तीसरे नंबर में आपको एक सेट दिया गया है, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं एम ए टी एच ई आई सी एस, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि
यहाँ पर आपको डी नंबर में दिया गया कि एक्स सच दैट एक्स क्या दिया गया, मैथामेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो जब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो भी शब्द क्या होते हैं डबल होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन कि एक्स सच दैट संख्या 10 से कम क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। और 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या तो एक से स्टार्ट होती है लेकिन क्या चाहिए हमें विषम, 1 3 5 7 9, तो केवल इतनी ही संख्या होगी। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो बी नंबर के ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 6 को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले का सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ई नंबर का ऑप्शन हो जाएगा और जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरे का यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।